हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर रहा हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है और आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी जो हर कोई जानना चाहता है और काफ़ी उनके दिलों में इस टॉपिक के बारे में महत्वाकांक्षा होती है कि अरे आर्मी में ये चीज़ कैसी होती है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो आर्मी के अंदर हमारा जो लुकर होता है, यानी कि जिसको दारू बोलते हैं, रम बोलते हैं, बियर, विस्की, वाइन, तो ये कैसे मिलती है, कब कब मिलती है, किस किस को मिलती है और कितनी क्वांटिटी में मिलती है, तो इसके बारे में हम आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके ऊपर वीडियो कोई एक्चुअली बनाता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसके बारे में आज एक वीडियो बनाया जाए और आर्मी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कब कब ये चीज़ें, यानी कि कब कब पार्टी का माहौल होता है और कब कब ये सब कुछ है। तो इस वीडियो में ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ में। वीडियो होने वाला है बहुत ही रोमांचक। चलो दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आजकल ना तो आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। यार, सब्सक्राइब करना तो फ्री है, ऐसा तो है नहीं कि उसके आप में दंडौलत चली जाएगी, तो उसमें क्यों हिचकिचाते हो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलो, आप सब्सक्राइब करो ना करो दोस्तों, लेकिन मेरा काम है आप में जोश और जुनून भरना जिससे आप आर्मी में जाएँ और एक अपने ज़िंदगी को, सुनहरे मौके को आप चमकाएँ। वो मेरा काम लगातार रहेगा, भले आप सब्सक्राइब करो या ना करो। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो बात करते हैं आर्मी में ये रम वगैरह कैसे मिलती है। तो दोस्तों, ऐसा एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई जवान भर्ती होकर के, जैसे वो पहले रिक्रूट होता है तो पहले ट्रेनिंग करता है, तो ट्रेनिंग के दौरान किसी को भी रम वगैरह, बियर, बिस्की कुछ भी दोस्तों नहीं मिलता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो पहले अपनी ट्रेनिंग करता है 9 महीने की, 1 साल की, जैसे जैसे जिस आर्मी में जो ट्रेनिंग चलती है उनके सेंटरों में। उसके बाद जैसे ही वो पोस्टिंग होकर के दोस्तों अपनी यूनिट में पोस्टेड होकर चला जाता है, उसके बाद वो रम पीने का हक तो उसको मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो वैसे तो ये चीज़ गलत है रम, मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि आप कोई भी आदत ना लगाए इसको अपनी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे, जैसे मैं तो देख रहा हूँ आजकल बच्चे सिविल में ही पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ यानी कि वो पी सकता है, लेकिन कुछ वहाँ शर्म की वजह से, यानी जिसके अंडर नौकरी 5 साल तक होती है, वो लाइन में नहीं लगते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में आर्मी में क्या आता है, जो हमारा मैस होता है, हम ORS बोलते हैं, अदर रैंक्स होता है हमारा, तो हर किसी कंपनी वाइज वहाँ पर ORS मैस, अदर रैंक्स के जो मैस होते हैं, लंगर भी बोल देते हैं, मैस में खाना बनता है। तो 3 दिन क्या होता है दोस्तों, फौज के अंदर मीट बनता है, यानी सोमवार, बुधवार या शनिवार को, उस दिन चिकन बनेगा या एक दिन किसी दिन मटन बनता है, मछली तो कभी कभार मिलती है, ज़्यादातर चिकन और मटन ही बनता है। तो उसी दिन दोस्तों क्या होता है, रम इश्यू होती है, यानी कि जो जवान होते हैं हमारे, उनको रम इश्यू का मतलब है, यानी कि वो अपनी मर्जी से रम नहीं पी सकता है। वो क्या होता है, हमारी हर कंपनी में एक क्वार्टर मास्टर होता है, वो क्या करता है, अपना जो हमारी यूनिट की रन कैंटीन होती है CHD से पहले, जैसे मान लो एक कंपनी में 100 बंदे पीने वाले हैं, तो 100 बंदे के 2-2 पैक मिलते हैं दोस्तों रम के, तो 2-2 पैक के हिसाब से वो 5-6-7 बोतल वहाँ से इश्यू करा के ले आएगा कैंटीन से। और उसके बाद शाम को फिर एक ड्यूटी JCOs, ड्यूटी NCOs एक नियुक्त होंगे उस चीज़ के लिए, और जो कंपनी का क्वार्टर मास्टर है वो अपना बोतल लेगा, एक पैक होता है फिक्स पैमाने का 60 ml का, वो पैक और रजिस्टर लेके बैठ जाएगा साथ में, भाई उसका जो पीने वाला अपना नाम लिखाएगा, उसको पैसे देगा। वो मान ले किस स्टेट में उस टाइम पर आर्मी है, UP में है, बिहार में है, बंगाल में है, राजस्थान में है, या दिल्ली में है, या लेह लद्दाख में, तो उस हिसाब से जिस स्टेट में वो रम की जो कीमत होती है, उस हिसाब से एक बोतल में, यानी कि 12.5 पैक होते हैं, उस हिसाब से उसको बांट लेते हैं, एक पैक कितने का है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 30 रुपये का है, तो 2 पैक लिए तो 30 का, तो 60 रुपये उसको देने पड़ेंगे, और 2 पैक लेके अपना, और उसी मैस में मतलब थोड़ा स्नैक्स बनवा देते हैं, अंडा बनवा दिया, बॉयल या उसके लिए और कोई चीज़ बनवा दी खाने के लिए, तो 2 पैक अपने ग्लास में डाले, उसका 60 रुपये भुगतान किया और अपने आराम से बैठ के, डाइनिंग हॉल होता है एक या रिक्रिएशन रूम होता है, उनमें क्या है, सामने TV चलता रहता है, गाने बजते रहेंगे और आराम से आप इंजॉय करके पी सकते हो। तो यानी 2-2 पैक का होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे कोई हवलदार हैं या सीनियर्स लोग हैं तो वो 3 पैक भी ले लेते हैं किसी, या जैसे होता है कभी कोई 1 पैक ही पीने वाला है, उसको बोल तू चल 1 पैक मुझे अपना दे दे, ऐसे करके भी वो दूसरे का पैक पी लेते हैं। तो ये होता होता है दोस्तों, मतलब कब मिलती है, कैसे मिलती है। उसके बाद जैसे दोस्तों, और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वो तो वहाँ पीने के लिए नहीं आते हैं, तो फैमिली मेम्बर के पास, सबके पास कार्ड होता है, वो क्या करते हैं अपने, जो उनकी अपना 5 बोतल बनती हैं, तो अपना रजिस्टर में नाम एंट्री कराया और अपना कैंटीन से 5 बोतल ले गए और अपने घर में आराम से जब दिल करे वो आराम से पी सकता है। तो ये है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जैसे आजकल आए दिन कभी होली आती है या कभी कभी आए दिन पार्टियां चलती रहती हैं फौज में, यानी किसी को बड़ा खाना करना होता है, किसी को अफसर को रैंक लग गया, या आए दिन और भी कोई पार्टी चल गई, तो जैसे होली हुआ है तो होली में क्या करते हैं, कंपनी वाइज बड़े से ग्राउंड में, हमारा जो घास का ग्राउंड होता है फुटबॉल वॉलीबॉल का, कंपनी वाइज उसमें टेंट, तंबू लग जाते हैं, सामियाना लग जाता है,
और कलर बड़े बड़े थालों में उसमें कलर भरकर रख देते हैं दोस्तों। उसके बाद वहाँ पर कंपनी क्वार्टर मास्टर होता है, वो अपने अपने दारू लेके बैठ जाता है। उसके बाद दारू लेके बैठ गया वो, और उसके बाद कंपनी वहाँ नाम लिखाओ अपना और दारू पियो और होली खेलो। कभी कभी क्या करता है, सीओ साहब भी एक दो पैक फ्री भी कर देता है उसको, खुशी में चलो मेरी तरफ से जवानों के एक पैक फ्री पिलाओ। तो यानी बड़ा आनंद आता है उस टाइम पर कि लगता है कि हाँ यार अभी आनंद आ रहा है। ऐसे ही पार्टियों में होता है, बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होती हैं, बड़े बड़े हमारे जो हमारे ग्राउंड रहते हैं आर्मी के अंदर, उसमें टेंट शामियाने तम्बू लग जाते हैं, कनातें लग जाती हैं, और उसके बाद उनको दो दो पैक तीन तीन पैक के हिसाब से कभी कभी सीओ साहब अपनी तरफ से एक एक पैक फ्री इशू कर देता है। तो दोस्तों ये यानी कि लीगल तरीके से आर्मी में ये दारू पी का वितरित किया जाता है। ये वैसे एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी ज़्यादातर जो अपना जो ठंडे इलाके होते हैं लेह लद्दाख, फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर, उड़ी सेक्टर, उन उस टाइम पर उधर की तरफ इश्यू हुई थी। मतलब अभी तो हर जगह ही होती है ये। तो ये है आर्मी के अंदर लिक्वर पीने का प्रोसीजर दोस्तों। तो आर्मी के अंदर आए दिन कोई ना कोई पार्टी होती ही रहती है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी भागदौड़ करो, आर्मी की तैयारी करो, और उस एंजॉय में उस चीज़ में आप भी जा करके शामिल हो, जब अपने आपको लगता है कि हाँ यार वाकई में हम कहीं आए, एक बहुत ही मस्त माहौल बन जाता है दोस्तों। तो ये तो थी मेरी तरफ से जानकारी दोस्तों, तो मैंने आपको दे दी। लेकिन आप यार वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।